एसपी ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन सदर को मनशा बम के खिलाफ मजीद 120 दरख्वास्तें मौसूल हुई। पुलिस ज़राए के मुताबिक दीगर महकमे भी कब्जा माफिया के साथ कसूरवार निकले हैं। एलडीए और रेवेन्यू बोर्ड रिकॉर्ड फराहम करने से मुतालिक कोई जवाब नहीं दे रहे। इसी पर मजीद बात करते हैं चीफ रिपोर्टर मुजाहिद शेख से। मुजाहिद बताएगा मजीद 120 दरख्वास्तें मौसूल हो गई हैं। जी बिल्कुल नीलम, मनशा बम केस के हवाले से एसपी ऑपरेशन और एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर जो है इन्होंने खुली कचहरी भी एक लगाई और अपने दफ्तर में इन्होंने एक डेस्क भी बनाया है जिस पर कब्जा माफिया और बिलखसूस मनशा बम के हवाले से जो दरखास्तें हैं वो वसूल की जा रही हैं और इसमें 120 के करीब दरखास्तें टोटल वसूल हुई हैं जिनमें से 70 के करीब जो है दरखास्तें वो मनशा बम के खिलाफ जाती हैं। और पुलिस ज़राए के मुताबिक के जो दरखास्तें वसूल हुई हैं उसमें पुलिस के अलावा दीगर महकमे जो है वो भी कसूरवार पाए गए हैं जिनमें रेवेन्यू बोर्ड और एलडीए का महकमा है जिनकी जानिब से कोई कार्रवाई में तखीर होने की वजह से पुलिस जो है वो जमीनों पर कब्जे वापिस नहीं करवा सकी है। अब तक जो मनशा बम की कब्जे में रहने वाली जमीनें थी उसकी अभी निशानदेही और उस पर जो मजीद महकमाना कार्रवाई है वो रेवेन्यू बोर्ड और एलडीए की जानिब से नहीं की गई जिसकी वजह से पुलिस अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं कर सकी है। जी बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद शेख।